हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कैथोड रेज। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है कैथोड रेज के रिगार्डिंग। द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टुवर्ड्स द कैथोड। तो कैथोड रेज क्या होती है बच्चों, तो कैथोड रेज जो होती है वो हमें किससे मिलती है, तो कैथोड रेज जो डिटेक्शन करते हैं हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कैथोड रेज की डिटेक्शन होती है। तो कैथोड रेज होती क्या है बच्चों, तो कैथोड रेज हमारी होती है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये क्या करते हैं, कैरिंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इनको हम लोग, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड जो कैथोड रेज होती है वो स्टार्ट होती है कैथोड से और एनोड की तरफ जाती है बच्चों। किसकी तरफ, एनोड की तरफ। द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ये आपका गलत है। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है बच्चों। द चार्ज एंड मास ऑफ द कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस इन द ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर कौन सी गैस भरी गई है, क्या इसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या बच्चों चार्ज एंड मास ऑफ द कैथोड रेज। तो इसके लिए क्या करेंगे कि भाई H2 है, ठीक है, एक गैस तो हमने हाइड्रोजन मान ली और एक गैस हमने क्या मान ली, हीलियम मान ली। तो इस गैस, इन दोनों गैसेस को हमने डिस्चार्ज ट्यूब में फिल कर दिया। तो अब एक बात बताना बच्चों कि जो H2 के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे एंड जो हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या ये दोनों डिफरेंट होंगे, क्या कहीं आपने ऐसा पढ़ा है कि नहीं भाई एक से एक डिफरेंट तरीके के इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते ना बच्चों। तो क्या डिफरेंट क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे, क्या क्या इनका मास 9.1 × 10⁻³¹ kg नहीं होगा क्या दोनों के लिए, क्या इनका चार्ज −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम नहीं होगा। तो दोनों के लिए सेम ही होगा बच्चों। तो चार्ज एंड द मास ऑफ कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बोथ 2 एंड 3, सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।